That time, 1:20 p.m. ये क्या कह रहे हैं आप? आपने आपने बंद क्यों किया उन्हें चेक करना? इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। ए रुको, हटो। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए ना, वो सीपीआर क्या कहते हैं उसे, वो दीजिए ना। माय मॉम विल बी फाइन। आई एम सॉरी, हम ट्राई कर चुके हैं। थोड़ा और ट्राई कीजिए ना, मेरी मां की धड़कनें वापस आ जाएंगी। प्लीज ऐसे हार मत मानिए ना, प्लीज ट्राई करते रहिए। मां, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर गुस्सा किया, बुरा बोला कहा मां। आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। यू नो दैट आई लव यू। मां, आपके बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। मां प्लीज गेट अप, हो गया अभी, प्लीज टॉक टू मी। मां, साहब बॉडी को शिफ्ट कर दे। ए, बॉडी किसको बोला? मां है वो मेरी। अगर आप लोग हार मानना चाहते हैं तो मानिए, मैं नहीं मानूंगा। मैं लेकर जाऊंगा अपनी मां को हॉस्पिटल। मिस्टर अवल, जरा कोऑपरेट कीजिए। दवे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये डॉक्टर सब कुछ ट्राई करेंगे। वो कोई इंजेक्शन आता होगा ना जिससे हार्ट बीट वापस चलने लग जाए, जहां भी मिले वो बताइए, मैं लेकर आऊंगा। बट से माय मदर, प्लीज से माय मदर। मिस्टर अवल, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे इन्होंने क्या किया, आप इन्हें पुलिस स्टेशन क्यों लेकर जाएंगे? देखिए मैडम, हमें हमारा काम मत सिखाइए। सारे सबूत और वॉचमैन की गवाही इनके खिलाफ है। बिना डरे बताओ तुमने क्या देखा? साहब घर की लाइट चली गई थी, और कुछ देर पहले जब लाइट आई तो मैं दर्शक के कमरे में गया। वहाँ कुछ देर पहले कुछ आवाज आई थी। जब मैं वहाँ पहुंचा तो राजवी मालकिन खून से लथपथ फर्श पर गिरी हुई थी, और दर्शक के हाथ में कांच का टुकड़ा था जिसमें खून लगा हुआ था। देखो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम जो कुछ जानते हो सब बता दो। सब कुछ पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ देर पहले राजवी मालकिन और दर्शक के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। दर्शक मालकिन को बहुत चिल्ला रहे थे, समझे आप? और जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, इनको हमारी कस्टडी में रहना पड़ेगा। What nonsense! आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है? हाँ मैं गुस्सा था उनसे, लेकिन आप अगर अपनी माँ से गुस्सा होते हैं तो क्या उन्हें मारने की सोचेंगे? ये ज़्यादा ओवरस्मार्ट गिरी मत कर मेरे सामने, समझा तू? और ये पैसे का रूपा भी ना पुलिस को मत दिखाना, नहीं तो मारते हुए लेके जाऊंगा। डर नहीं लगता मुझे, ठीक है? कुछ गलत नहीं किया तो डरूंगा नहीं मैं। एक सेकंड, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। देखिए मेरा भाई ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी माँ से ही प्यार करता है। इन दोनों का जैसे रिश्ता आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपको गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। बेटा माँ का खून कर दे, ऐसा रिश्ता तो मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, नहीं तो हथकड़ी पहना के लेके जाना पड़ेगा मुझे, वो भी सबके सामने। जो करना ना कर लो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगी, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ उन्हें हॉस्पिटल। भाई यार, और ये क्या चादर बिछाई हुई है? ये बॉडी नहीं है, माँ है मेरी। बस चलो आप कांस्टेबल काम पकड़ो उनको, हथकड़ी पहनो। बस नहीं जा सकते, मेरी माँ के पास जाने से नहीं रोक सकते मुझे, छोड़ो मुझे। मुसीबत जी क्या कर रहे हैं आप? अरे आप इनकी सिचुएशन को समझिए तो, छोड़िए ने। अरे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, लेके जाओ जिप पे डालो। तुम रुक जाओ, तुम इधर रुक जाओ। माँ का ख्याल रखना, उन्हें कुछ नहीं हुआ, ये सब पागल हो गए। टेक केयर ऑफ मॉम, जस्ट टेक केयर ऑफ मॉम।
शोभो। ओके मैं देखता हूँ। जिस तरह से तूने मिलके जिंदा होने का इशारा दिया है, बस मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं मुसीबत जी को बेगुनाह साबित कर पाऊं और अपने परिवार को फिर से एक कर पाऊं। राजवीर जी कोमा में हैं, लेकिन जिंदा हैं। 17 साल के करियर में ये ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। पल्स जाने के बाद भी हार्ट बीट वापस आ जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर से कब तक बाहर आ जाएंगे? उन्हें होश कब तक आएगा? देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डैड, डैड, आप आइए, बैठे। डैड मिल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने तो उनकी जिंदा होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी ना, लेकिन कानूना ने उनकी धड़कनें वापस दिला दी। देखना, वैसे ही कानूना ना मेरी मिल को बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, बस भरोसा रखिए। कुछ देर में हम उन्हें एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। सर, बाहर प्रेस वाले आए हैं, उस औरत के बारे में पूछ रहे हैं जिसके बेटे ने उसके खून करने की कोशिश की। डॉक्टर सलोनी में चल के बात करते हैं। चलो मेरे साथ। द्वारकाधीश, मतलब ये खबर सब जगह फैलने लगी। सबको यही लग रहा है कि भाभी पर हमला दर्श ने किया। अगर भाभी होश में होती तो वो ये बता सकती थी कि दर्श ने कुछ भी नहीं किया। अब हम दर्श को बेकसूर कैसे साबित करेंगे? पता नहीं पुलिस स्टेशन में दर्श बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आधे घंटे से एक ही सवाल पूछ रहा हूं। बता, अपनी मौत का खून क्यों करना चाहता था? मैंने कुछ नहीं किया है। आधे घंटे से मैं भी यही कह रहा हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने बस वो कांच का टुकड़ा उनके पेट से निकाला था। कोई भी बेटा अपनी माँ को इस हालत में देखेगा तो उन्हें बचाने के लिए यही करेगा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। मेरी ये सब कहानी बना के ना कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सारे सबूत तेरे खिलाफ है और तेरे पे कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, मर्डर चार्ज है। मर्डर चार्ज? मर्डर का चार्ज कैसे? जब कोई मर्डर हुआ ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ, वो कोमा में है लेकिन जिंदा है। किसी पर मर्डर का इल्जाम लगाने से पहले अपने केस के बारे में इंफॉर्मेशन तो निकाल लीजिए सर। सच? माँ जिंदा? मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था कि माँ जिंदा है, लेकिन सब लोग और कदीश, थैंक गॉड। कोमा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो कोमा से बाहर आ जाएंगी और वो भी बहुत जल्दी।
Thank God she's alive. ये सब खुशी का नाटक करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब तुम्हारी माँ को होश आएगा ना, तो वो खुद अपने आप बता देगी कि उन पे हमला तुमने कैसे किया था। Excuse me? फैसला सुनाने से पहले क्या आपने मेरे पति को सफाई देने का मौका दिया? और अगर दिया तो क्या आपने उनकी सफाई पर भरोसा करने की कोशिश की? सर, हम तो आप पर उम्मीद लगाए बैठे। अगर आप भी बिना सबूत हम पर इल्जाम लगाएंगे तो आम जनता किससे मदद मांगेगी? लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब तक आपको सबूत नहीं मिल जाता ना, आप मेरे पति को मुजरिम करार नहीं कर सकते। आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, फैसला सुनाना नहीं। सीमा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूंगी, हाँ, क्योंकि इस बार जो हम साथ आए हैं ना, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। नंदिनी, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बस मेरी एक हेल्प कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। अभी तो आप बड़ा कानून सिखा रही थी मुझे, तो इतना तो आपको पता ही होगा ना कि पुलिस स्टेशन में ये सब अलाउड नहीं है। ये सब है ना घर पे करने का। हम बड़े से बड़ा लॉयर हायर करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। फिक्र की, कैसे फिक्र नहीं करूं? वो पूरी रात उन्हें जेल में रखने वाले, क्वेश्चनिंग करने वाले, लॉकअप में, लॉकअप की जमीन पर पता नहीं कैसे सोएंगे, पता नहीं खाने को भी कुछ ठीक से मिलेगा भी या नहीं क्या। और मुझे पता है वो ना पक्का अपने आप को कोस रहे होंगे मिल्की इस कंडीशन के लिए। मैं जानती हूँ उन्हें, वो सोच रहे होंगे कि क्योंकि उन्होंने गुस्से में बात की ना मेरे से, इसलिए भगवान उनको इतनी बड़ी सजा दी। मैं हमेशा से जानता था आपकी बातों में भाई के लिए भले ही कितनी कड़वाहट हो, लेकिन आपके दिल में ना उनके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। लेकिन खैर, आप ठीक कह रहे थे शोभित भाई, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं, आंसू बहाने का वक्त नहीं। मैं किसी भी तरह ना दर्श जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। मैं उनके कमरे में जाता हूँ, वहां पर ना पक्का मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। लेकिन वहां क्या मिलेगा आपको? ऑलरेडी पुलिस छानबीन कर चुकी है ना। मैं अपने पति का फ्यूचर पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारे प्यार की भी परीक्षा है, और मैं दर्श जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। जी को मुझे बेगुनाह साबित करना ही होगा। इस कमरे में जरूर कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। तुम मेरे और दर्श के बीच हुआ, उससे तो तुम मुझसे नफरत करती होगी ना? तुम्हारे लिए जो मैं फील करती हूँ वो नफरत है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता।
लेकिन हमदर्दी तो डेफिनेटली नहीं है। मैं जानती हूँ कि इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, लेकिन दर्श जी की अच्छाई का फायदा उठाने का ना तुम्हें कोई हक नहीं था। क्यों क्यों क्या तुमने प्रेगनेंसी का नाटक? नाटक नहीं है नंदनी, मैं हूँ प्रेग्नेंट। झूठ, फिर झूठ। मुझे दर्श जी पर पूरा भरोसा है और उन्होंने मुझे खुद बताया है कि उन्होंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। फिर तुम उनके बच्चे की माँ कैसे हो सकती हो? ये बच्चा शोभित का है। हाँ नंदनी, ये बच्चा शोभित का है। मैंने जो वादा किया था वो याद है ना? जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इसका मतलब शोभित के बच्चे को नाम देने के लिए मिलने तुम्हारा साथ दिया? शोभित तो गुण के साथ खुश है, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाती? कैसे बर्दाश्त कर लेती कि लोग मेरे बच्चे को नाजायज बुलाएं? इसीलिए राजबिया आंटी के कहने पर मैं दर्श के सामने नंदनी बन गई। हम जानते थे कि ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला नंदनी, लेकिन मेरे पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी नंदनी, इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम सबको ये लगा था कि एक्सीडेंट में तुम्हारी डेथ हो गई है। तुम्हारी जो भी मजबूरी थी उससे कुछ भी गलत सही तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। हम सब जानते हैं कि दर्श ने कुछ नहीं किया है और हमें कुछ भी करके दर्श को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा। नंदनी, लेकिन हम ग्रामीण बैंक, ये स्लिप फैमिली में से किसी का किसी छोटे बैंक में अकाउंट तो नहीं होगा? ये तो कोई लोकल बैंक की स्लिप लगती है। ये दर्श जी के रूम में क्या कर रही है? उस दिन शादी के दिन जितने भी वर्कर्स आए थे वो तो इस कमरे में नहीं आए। फिर जरूर ये उसी की स्लिप है जिसने बिल पर अटैक किया था। इस स्लिप की मदद से हम उस कातिल तक पहुंच सकते हैं। शामी, क्या हो गया? दर्द हो? तुम बैठो, आओ। काफी दर्द हो रहा है अब। चाची, चाची, तुम, मैंने कहा था ना इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाने का सपना मत देख। ले, अब तो उस कांच के टुकड़े के ऊपर सिर्फ तेरे उंगलियों के निशान मिले। मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिला है आगे की छानबीन के लिए, अंदर लॉकअप में रखने के लिए। क्या हुआ, टेंशन आ रहा है? लग गई ना वाट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।